गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी अर्थ डे आ रहा है, तो अर्थ डे के लिए हमें कुछ करना है। अगर आपके पास एक पार्क हो, उसमें एक बहुत सारे पत्ते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बोलो इधर आओ और उनको बोलो कि ये सारे पत्ते कलेक्ट करो, मैं भी करता हूँ। तो अगर आप लड़के हो तो लड़का हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लड़के कुछ बोलो, पर आपको ये करना पड़ेगा। हमारा अर्थ बन जाएगा पूरे गंदे से, और आपको पता है और अर्थ की जगह नहीं है रहने को, तो उससे आप इसको ही साफ कर दो अगर चाहे तो। और पार्ट नंबर टू, अगर आप पानी वेस्ट करोगे, अब देखो कोई कोई तो पानी में कुछ फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है, आप क्यों आपको ये कुछ फेंक देते हैं? वरना तो आपको पता है हमें अर्थ जिंदगी भर ऐसे में ही रहते रहेगा अगर आपने ऐसे करा, और अगर आपने ऐसे नहीं करा तो फिर पानी सेव और हम सेफ हो जाएंगे। अगर हमने ऐसे करा तो हम मर जाएंगे, आपको पता है। अगर हम तो इसलिए कह रही हूँ मैं, पर तो ठीक है। पार्ट थ्री, तो अगर हम सही से काम नहीं लेंगे, मतलब जो पेट कट रहे हैं ना उनको, अगर तो हमारा ये जो सांस है उसी से तो ले रहे, अगर हम ये सब काट दें हमारी सांस कैसे लेगी? तो इससे अच्छा पेट काटो ही मत। पार्ट फोर, अगर आपको फ्लावर्स को बचाना है तो उनको काटा मना है, फिर हमें ऐसा स्मेल में हमारी सांस लेने की एक्सरसाइज कैसे होगी? तो सिर्फ फ्लावर्स मत काट करो ना। तो नंबर सिक्स, स्टेप सिक्स, अगर हम अपने बालों को सही से नहीं बनाए तो बताओ, जो देखो जो बाल हम कटाते हैं ऐसे कट कट, वो कहीं किस कितनी सारी जगह फैल जाता है। हमें कभी भी और जो भी हमारे बाल है वो अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, अगर वो गंदे भी हो। अगर उस पर आपकी गम नीचे गिरे हुए, मतलब जी गम उस पर लगे हुए, तो आपको ऐसे माउथ से उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए तो ये सब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर, ट्री काटना इसलिए ज़रूरी है, उससे पेपर्स भी मिलते हैं। अगर आप मम्मी हो तो है ना, अगर आप मम्मी हो तो फिर आप अपने बच्चे की प्रोडक्ट के भी के तो पेपर यूज़ होता है ना, है ना? हाँ या ना बोलना उसमें कमेंट में, हाँ या ना, होते हैं ना यूज़ ड्राइंग बनाने में बच्चे के, है ना? तो कमेंट में बताना। और अब मैं बाकी आंसर मैं आपको दूसरी वीडियो में। बाय।